We are on the third part of the chapter 4 of geography, and today we are going to study about the weather and climate. Students, weather क्या होता है? जो दिन में कई बार क्या होता है, मौसम चेंज हो जाता है. जैसे सुबह बारिश आती है, फिर धूप निकल जाती है, मान लो फिर बादल हो जाते हैं. तो इस तरह से वेदर काफ़ी जो मौसम है वो चेंज होता रहता है, उसको हम वेदर कहते हैं. ये जो मौसम चेंज होता है, ये घंटे दिन में जो है आर टू आर, यानी घंटे भर घंटे में, या फिर डे टू डे. डे टू डे मीन्स मतलब डेली डेली जो है चेंज होता रहता है, तो इसको हम वेदर कहते हैं. अ हॉट और ह्यूमिड वेदर में मेक वन इरिटेबल. जो हॉट और ह्यूमिड मौसम, जैसे कि आजकल बहुत गर्मी और ह्यूमिडिटी भी होती है एयर में, बारिश के बाद ह्यूमिडिटी हो जाती है, तो वेदर जो है वो कैसा हो जाता है, इरिटेबल, मतलब कि बहुत ही परेशान करने वाला मौसम हो जाता है. अ प्लीजेंट ब्रीजी वेदर में मेक वन चीयरफुल एंड इवन प्लान फॉर एन आउटिंग. लेकिन जो बहुत ही प्लीजेंट, कई बार मौसम बहुत प्लीजेंट होता है, ठंडी हवाएं चलती हैं, तो इस तरह के मौसम में बहुत ही चीयरफुल होता है और हम कहीं बाहर जाने की प्लानिंग भी बना लेते हैं. वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे. मतलब ड्रामेटिकली मीन्स अचानक, जो मौसम होता है उसमें अचानक चेंज हो सकता है वेदर में. हाउ एवर द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम रिप्रेजेंट्स द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. लेकिन क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट होता है लंबी अवधि के दौरान जो एवरेज वेदर कंडीशन होती है उसको क्लाइमेट कहा जाता है. जैसे कि जो इक्वेटर के आसपास का एरिया है उसको वो वहाँ की जलवायु जो है गर्म होती है, क्योंकि सूरज की किरणें सीधी आती हैं, तो वो क्लाइमेट, वो उसको हमने स्टडी किया लॉन्ग पीरियड के बेस पर. तो क्लाइमेट होता है लंबी अवधि में जो मौसम की जो एवरेज कंडीशन होती है उसको क्लाइमेट कहा जाता है. नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई वी हैव डेली वेदर फोरकास्ट. फॉर 10 डेज नोट डाउन वेदर रिपोर्ट फ्रॉम अ लोकल न्यूज़पेपर एंड ऑब्जर्व द चेंज. ये इम्पोर्टेंट नहीं है. यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द अर्थ रिसीव ओनली 1 × 10 पार्ट्स ऑफ द सन्स रेज एनर्जी. आप हैरान होंगे ये देखकर कि जो हमारी अर्थ है ना, 2 × 10 में से ओनली 1 पार्ट जो है सन की एनर्जी का रिसीव करती है, यानी जो सूरज की जो टोटल एनर्जी है उसका बहुत कम, बिल्कुल ही माइनस के बराबर एनर्जी जो है अर्थ रिसीव करती है. नेक्स्ट है टेम्परेचर. द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर. एवरी डे जो हम फील करते हैं एटमोसफेयर में, तो वो टेम्परेचर होता है. द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज नोन एज टेम्परेचर. जो एयर हवा में डिग्री ऑफ हॉटनेस, मतलब कि जो गर्मी जो कितनी है और कितनी मात्रा में सर्दी होती है उसको हम टेम्परेचर कहा जाता है. डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस. द टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर चेंजेज नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट. जो एटमोसफेयर में टेम्परेचर, वो सिर्फ दिन और रात के बीच में ही चेंज नहीं होता. समर्स आर हॉटर देन विंटर्स, बट और सॉरी जो टेम्परेचर है वो एटमोसफेयर में जो टेम्परेचर होता है वो दिन और रात की अवधि, दिन और रात के बीच में ही चेंज नहीं होता, बट ऑल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन. लेकिन यह सीजन, एक सीजन से दूसरे सीजन तक आने में भी चेंज होता है. समर्स आर हॉटर देन विंटर. जो गर्मियाँ होती हैं वो सर्दियों से ज़्यादा गर्म होती हैं. एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसुलेशन. जो टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को प्रभावित करता है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है इंसुलेशन. इंसुलेशन क्या होता है? इंसुलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ. जो सूरज से सोलर एनर्जी जो होती है वो अर्थ पर, जो अर्थ के द्वारा जो एक्सेप्ट की जाती है, एक मतलब कि जैसे ये सन है तो इसकी जो ये वाली जो पूरी रेज हैं ये जहाँ पे
आती हैं और अर्थ उसको ग्रहण करती है उसको इंसुलेशन कहा जाता है. द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स. इंसुलेशन मीन्स हीट ऑफ द सन दैट द अर्थ एब्सॉर्ब, यानी अर्थ जो है वो सूरज की गर्मी को एब्सॉर्ब करती है. जितना ज़्यादा एब्सॉर्ब करती है तो इंसुलेशन ज़्यादा होगा, कम एब्सॉर्ब करती है तो इंसुलेशन कम होगा. द अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल. जो इंसुलेशन की जो अमाउंट है वो इक्वेटर पे तो सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो इंसुलेशन की अमाउंट कम होती जाती है. ऐसा क्यों? क्योंकि इक्वेटर पर जो सन रेज हैं वो डायरेक्ट आती हैं, बिल्कुल सीधी पड़ती हैं. अगर सन रेज सीधी आती हैं तो वहाँ पे वो क्या करेगी, अर्थ जो है ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करती है तो वहाँ पे इंसुलेशन ज़्यादा होता है. लेकिन जैसे जैसे जो सन रेज स्लैंटिंग जाती हैं, तिरछी जाती हैं, तो वहाँ पे सन जो इंसुलेशन है वो कम होता जाता है. देयरफॉर और इसलिए द टेम्परेचर डिक्रीजेस इन द सेम मैनर. तो इसी तरीके से जो टेम्परेचर है वो कम होता जाता है. अगर इंसुलेशन कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा, इंसुलेशन ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा. नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई पोल्स आर कवर्ड विद स्नो. अब आप समझ गए होंगे कि जो पोल्स होते हैं वो बर्फ़ से ढके क्यों होते हैं. क्यों होते हैं? क्योंकि वहाँ पे जो सन रेज हैं वो स्लैंटिंग बिल्कुल ही ना के बराबर बहुत कम जा पाती हैं पोल्स पर, और जो सन रेज डायरेक्ट इक्वेटर पर आती हैं तो वहाँ पे इंसुलेशन ज़्यादा होता है, वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है. इफ़ द अर्थ टेम्परेचर राइजेज टू हाई, अगर अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, इट ज़्यादा हो जाता है टेम्परेचर, इट वुड बिकम टू वार्म फॉर सम क्रॉप्स टू ग्रो. तो कुछ फसलों के लिए ये कुछ फसलों के उगने में के लिए यह सही नहीं होता. टेम्परेचर इन सिटीज इज मच हायर देन दैट ऑफ विलेजेस. जो शहरों का तापमान है वो गांव की अपेक्षा ज़्यादा होता है. द कंक्रीट एंड मेटल इन बिल्डिंग एंड द एस्फाल्ट ऑफ रोड्स गेट्स हीटेड अप ड्यूरिंग द डे. जो बिल्डिंग्स होती हैं शहरों में, पक्के मकान होते हैं, मेटल्स और कंक्रीट मटेरियल उनमें लगा होता है, और जो रोड्स होते हैं वो भी पक्के होते हैं, तो और जो उनका कलर जो है, एस्फाल्ट ऑफ रोड्स का मतलब है जो रोड्स का कलर ब्लैक होता है, और ब्लैक कलर क्या करता है, हीट को एब्सॉर्ब करता है दिन के दौरान. तो दिस हीट इज़ रिलीज्ड ड्यूरिंग द नाइट. तो ये जो इतनी सारी गर्मी जो ये बिल्डिंग्स और रोड्स एब्सॉर्ब कर लेते हैं, तो ये रात के समय इस हीट को रिलीज़ करते हैं, निकालते हैं. ऑल्सो द क्राउडेड हाई राइज बिल्डिंग ऑफ द सिटीज ट्रैप द वार्म एयर एंड दस रेज द टेम्परेचर ऑफ द सिटीज. और जो भीड़ भाड़ वाली बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग होती है, बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती हैं, वो भी ट्रैप द वार्म एयर, गर्म हवा को अपने में जकड़ लेती हैं, और इस वजह से टेम्परेचर जो है शहरों में ज़्यादा हाई हो जाता है. द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस. स्टैंडर्ड यूनिट टेम्परेचर मापने की क्या होती है, डिग्री सेल्सियस. इट वॉज इन्वेंटेड बाई एंडर्स सेल्सियस ने इसकी खोज की थी. ऑन द सेल्सियस स्केल द वाटर फ्रीजेज एट 0 degree Celsius. जो पानी फ्रीज होता है, बर्फ बनता है, तो वो तो 0 degree Celsius पर, एंड बॉयल्स और उबलता है 100 degree Celsius पर. नेक्स्ट जो एयर प्रेशर है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.